दोस्तों आज हम आपको जिस मूवी के बिहाइंड द सीन को दिखाने वाले हैं, यह मूवी बेहद ही नॉलेजबल एंड एक्शन ड्रामा फिल्म है। हम आपको 20 अप्रैल 2018 को आई मूवी भरत अनेनु के मेकिंग सीन को पूरी डिटेल के साथ दिखाने वाले हैं। इस मूवी का हिंदी नाम सीएम भरत है। अभी आप जिस एक्शन सीन को देख रहे हो, यह मूवी का एंडिंग एक्शन सीन है। इस सीन में होता है क्या है कि सीएम भरत और उनके गार्ड के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, जहां पर वह एम्बुलेंस से भागते हुए खेतों के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं और वहां पर वह गुंडों को कुछ इस प्रकार मारते हैं। तो सबसे पहले वह लोहे के सरिये से सामने से आ रही कार के ग्लास पर कुछ इस प्रकार मारते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो ग्लास टूटता है उसे CGI द्वारा क्रिएट किया गया था। और यहाँ पर आप देखते हो कि एम्बुलेंस का जो दरवाज़ा है वो बहुत ही स्पीड से खुलता है, तो उसके लिए यहाँ पर वायरिंग बेल्ट की मदद ली गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे वायरिंग बेल्ट से उस वाले दरवाजे को खोला गया था। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड सीन की तरफ, जहाँ पर भरत पहली बार CM के ऑफिस में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पीछे की तरफ एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। तो यह वाली बिल्डिंग VFX के जरिए बनाई गई थी, जिसके BDF सीन को आप यहाँ पर देख सकते हो। मूवी के इस वाले सीन में हम देखते हैं कि महेश बाबू यानी कि CM भरत पहली बार असेंबली में कदम रखते हैं, जहाँ पर वे ट्रैफिक से रिलेटेड एंड अदर कुछ धमाकेदार स्पीच देते हैं। तो उसे कैसे शूट किया गया था वह आप यहाँ पर देख ही सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह असेंबली रियल नहीं थी, बल्कि इसका पूरा सेट बनाया गया था। इसे बनाने में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस मूवी का मेन शूटिंग लोकेशन था हैदराबाद एंड लखनऊ। यह सीन उस वक्त का है जब CM भरत एक गांव के मामूली से लड़के को MLA के चुनाव के लिए खड़े करते हैं। तभी उस गांव में पहले से एक गुंडा MLA होता है और उसका नाम दमू होता है। तब वह दमू उस लड़के को मारने की कोशिश करता है। तभी CM भरत उसे सबक सिखाने के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं। तब वहां पर एक लड़ाई हो जाती है। तो यह उसी फाइटिंग सीक्वेंस का मेकिंग सीन है, जिसे आप यहां पर देख सकते हो। इस फाइटिंग सीक्वेंस सीन में एक सीन बहुत ही अट्रैक्टिव था, जो कि यह वाला सीन था। इस वाले सीन को यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे वायरिंग बेल्ट की हेल्प से इस वाले सीन को फिल्माया गया था। यहाँ पर कुछ जगह CGI का इस्तेमाल भी किया गया था। इस सीन के अंदर हम एक खंजर को उड़ते हुए देखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस खंजर को CGI द्वारा क्रिएट किया गया था। इस मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि CM भरत और उनके PA दोनों चलती हुई कार के अंदर कुछ इस प्रकार बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों VFX एंड CGI का इस्तेमाल किया गया था, और कैसे इस्तेमाल किया गया था वह भी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। इस मूवी का एक थीम सॉन्ग होता है जो इस पूरी मूवी से रिलेट करता है। तो इस सॉन्ग की शूटिंग एक नकली प्लेस पर हुई थी, इस प्लेस का पूरा सेट बनाया गया था, और इसको सेट को बनाने में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और इस सेट को पूरा तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लगा था। इस मूवी का एक और सॉन्ग होता है, जहाँ पर ग्यारह अडवाणी के पीछे कुछ बिल्डिंग्स नज़र आती है, और इन बिल्डिंग्स के ऊपर हमें कुछ हरी बेलें नज़र आती है। तो आपको बता दें कि इन बेलों को VFX के द्वारा क्रिएट किया गया था। इस मूवी का यह वाला सीन तो आप लोग नहीं भूले होंगे। यह सीन उस वक्त का है जहां पर भरत के पिता के देहांत पर कुछ उनके पार्टी के क्रू मेंबर वहां पर आते हैं। तो उसी सीन का यह मेकिंग सीन है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस वाले सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। दोस्तों आपको CM भरत मूवी का यह मेकिंग वीडियो कैसा लगा, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप आगे भी ऐसी मूवी बिहाइंड द सीन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो, तो आप हमारे इस चैनल मूव फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।